स्पेशल एडिशन में आपके साथ मैं अदिति त्यागी। और आज का दिन, जैसा कि आप इन तस्वीरों को देखकर भी समझ गए होंगे, आज का दिन हिंदुस्तान के लिए बहुत अहम, बहुत खास, बहुत स्पेशल। इसलिए स्पेशल क्योंकि रफाल लड़ाकू विमान अंबाला एयरबेस पर 17 स्क्वाड्रन गोल्डन एरोज में शामिल कर लिया गया। जी हाँ, रफाल आ तो हिंदुस्तान पहले ही चुका था, लेकिन आज उसका हुआ औपचारिक इंडक्शन। और यकीन मानिए, इस पूरे घटनाक्रम पर बीजिंग इस्लामाबाद की भी नजर थी। और इसीलिए हम आपसे ये कह रहे हैं, आज के इस पराक्रमी दिन पर, या मुझे आज से कहना चाहिए जो रफाल राज शुरू हो गया है, उस पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं। देखिए, ये 360 डिग्री व्यू यानी सोशल मीडिया के माध्यम से आप क्या महसूस करते हैं, आप अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। #रफाल राज का इस्तेमाल कीजिए। आज के दिन पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्योंकि ना सिर्फ आज रफाल आया है का ऑफिशियल इंडक्शन हुआ है, मुझे कहना चाहिए टू बी प्रिसाइज, साथ ही आज विदेश मंत्री एस जयशंकर की मुलाकात हो सकती है चीन के विदेश मंत्री के साथ। हालांकि भारत के विदेश मंत्री, चीन के विदेश मंत्री और रूस के विदेश मंत्री, इन तीनों ने एक साथ लंच किया। और इस सबके बीच बड़ी खबर जो लगातार जी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है, जी न्यूज एक्सक्लूसिव, जिसके माध्यम से हम आपसे ये कह रहे हैं कि इंडियन आर्मी ने जो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट हाइट्स थे उन्हें ऑक्यूपाई कर लिया है, ये स्पष्ट करते हुए कि ये हाइट्स इंडिया के साइड पर है, यानी इंडिया ने कोई अतिक्रमण नहीं किया है, जो उसका है उसी उन्हीं हाइट्स पर इंडियन आर्मी ने अब डेरा डाल लिया है। तो आपको जल्दी से दिखा देते हैं तीन तस्वीरों के माध्यम से एग्जैक्टली आज की जो तीन बड़ी खबरें हैं, एक एक करके आपके स्क्रीन पर देखिए। रफाल की गर्जना, जी न्यूज के साथ आप जुड़े रहे हैं तो लगातार आपने इन तस्वीरों को देखा होगा। दूसरी तरफ हम आपको लगातार जी न्यूज पर यह भी बता रहे हैं कि कैसे इंडियन आर्मी जो है डोमिनेट कर रही है। और साथ ही तीसरी बड़ी खबर हाइट्स के लिहाज से भी, जहां पर भारतीय आर्मी का दबदबा है, और रफाल के लिहाज से भी एलओसी पर पाकिस्तान और एलएसी पर चीन इस वक्त परेशान है, क्योंकि हिंदुस्तान को मिल गई है रफाल वाली ताकत। और साथ ही अब आपको यह दिखा देते हैं, क्योंकि इनको स्टेशन कहां गया, रफाल की जब हम बात कर रहे हैं तो कहां पर स्टेशन किया गया है और क्यों स्टेशन किया गया है, आपको यह भी समझना होगा। तो अंबाला का यह एयरबेस और यहां से पाकिस्तान की दूरी कितनी है, आप में से कई लोग इस बात को जरूर जानना चाहेंगे। और साथ ही आप ये भी समझना चाहेंगे कि बीजिंग यहां से कितनी दूर है। तो देखिए, हम आपको बॉर्डर्स दिखा रहे हैं, ज्योग्राफिकली आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से इनकी जो पोजीशनिंग है वो इतनी इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिकली। तो पाकिस्तान बॉर्डर के लिहाज से देखिए, 360 सेकंड में यानी करीब करीब 6 मिनटों में आप प्रहार कर सकते हैं। 450 किलोमीटर की दूरी है इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के लिहाज से अगर बात की जाए, लाइन ऑफ कंट्रोल के लिहाज से बात की जाए। और साथ ही आपको यह भी बताने की कोशिश करेंगे कि अगर चीन के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बात की जाती है, तब अंबाला कितनी दूर है। 375 किलोमीटर दूर भारत चीन का बॉर्डर, और यहां पर भी 360 सेकंड्स में प्रहार। तो लगा लीजिए हिंदुस्तान की ताकत इन रफाल विमानों के ऑफिशियल इंडक्शन के साथ कितनी ज्यादा बढ़ गई है। ये आपको समझाने की कोशिश है कि चीन पाकिस्तान पर रफाल वार। और इसीलिए जो हम आपसे बार बार तीसरी बात कर रहे थे, तीसरी तस्वीर जो दिखा रहे थे, और हम कह रहे थे कि पाकिस्तान और चाइना में इस वक्त भय है, उसकी बड़ी वजह यही है। तो देखिए, हम आपको तीन बातें, मुझे कहना चाहिए चार बातें अभी तक आपको समझा चुके हैं। हम आपको बता चुके हैं कैसे अब भारतीय वायुसेना के लिए, इंडिया के लिए कहें तो रफाल राज की शुरुआत हो चुकी है। हम आपको ये भी बता चुके हैं कैसे इंडियन फोर्सेस जो हैं अब वो हाइट्स में डोमिनेट कर रहे हैं। हम आपको ये भी बता चुके हैं कि इन्हें अंबाला में ही क्यों स्टेशन किया गया है, पाकिस्तान और चीन से दूरी कितनी है, पाकिस्तान बॉर्डर और चीन बॉर्डर से दूरी कितनी है। साथ ही हम आपको ये भी बता रहे हैं कि भारत के विदेश मंत्री की चीन के विदेश मंत्री से मुलाकात, और इसके अलावा कोर कमांडर लेवल की बातचीत। तो दूसरी तरफ, एक तरफ भारतीय सेना का ये पूरा पराक्रम और दूसरी तरफ बातचीत का सिलसिला भी जो है वो लगातार जारी है। और एक और तस्वीर अब आपको जल्दी से दिखा देते हैं। रफाल, आप जानते हैं, दसो एविएशन द्वारा बनाया गया है, फ्रेंच कंपनी है। आज उसका जब ऑफिशियल इंडक्शन हुआ, तब भी आपको जो तस्वीरें आई होंगी, आपने देखी होंगी, तो आपने देखा होगा फ्रांस के रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले को उसमें, और थोड़ी देर पहले देखिए, इसमें आपको फ्लोरेंस पार्ली जो कि फ्रांस की आर्म्ड फोर्सेस की मिनिस्टर है, आपको रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिखाई दे रहे हैं, आपको वायुसेना प्रमुख इस तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं। और आपसे थोड़ी देर पहले एक और तस्वीर आई थी जब उन्होंने मुलाकात की थी एनएसए अजीत डोवल के साथ। और फ्रांस लगातार इस बात को मेंटेन करता आया है
लगातार इस बात को दोहराता आया है कि हिंदुस्तान उसका बहुत अहम पार्टनर है। देखिए वो तस्वीर जिसका मैं आपसे जिक्र कर रही थी, एनएसए अजीत डोवल के साथ फ्रांस की जो आर्म फोर्सेस के मिनिस्टर है, रक्षा मंत्री हैं फ्लोरेंस पाली, उनकी उनकी जो मुलाकात की तस्वीर है वो इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और साथ ही राजनाथ सिंह देश के रक्षा मंत्री, उनके द्वारा ये कहा गया कि रफाल का शामिल होना भारतीय वायुसेना में दुश्मनों के लिए एक बड़ा मैसेज वहां पर। और ये सबसे अहम अगर यहां पर कोई बात की जानी चाहिए, एक पॉइंट जिस पर बातचीत होनी चाहिए वो ये है कि इसकी टाइमिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी टाइमिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एक तरफ तनाव है एलएसी पर चीन के साथ और दूसरी तरफ एलओसी पर पाकिस्तान लगातार हिमाकत करता ही रहता है। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, हमारे साथ एयर कोमोडोर बीएस सिवाच हैं जो आपको बताएंगे कि रफाल की खासियत क्या है। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रामेश्वर यादव हैं, वो हमें ये बताएंगे कि हाइट्स में जिस तरह हिंदुस्तान डोमिनेट कर रहा है उसका मतलब क्या है। फुनचुक स्तोपदान है, फॉर्मर डिप्लोमैट है और साथ ही कूटनीति को उनसे बेहतर कोई नहीं समझता। अपने स्क्रीन पर आप एयर मार्शल आरसी वाजपेयी को भी देख पा रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है। लेकिन सबसे पहले एयर कोमोडोर सिवाच का रुख करना चाहती हूँ। सर मैं चाहती हूँ हम एक बार अपने स्क्रीन पर लेकर आए रफाल, जिसके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है, जिसने पाकिस्तान और चीन की नींद उड़ा रखी है। मैं चाहूंगी सर अगर हम स्क्रीन पर रफाल को लेकर आए, अगर आप इसकी खासियत जो है, देखिए ये तो हम अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अंबाला एयरबेस पर इसको तैनात किया जाना, स्क्वाड्रन 17 गोल्डन एरोज वहां पर इसको तैनात किया गया है। पाकिस्तान की दूरी, चीन की दूरी, बॉर्डर, जब मैं पाकिस्तान और चीन कह रही हूं तो हिंदुस्तान के साथ जो उनका बॉर्डर है उसकी बात कर रही हूं। साथ ही रफाल की खासियत के लिहाज से एयर कोमोडोर सिवाच, आज के दिन को आप कैसे देखते हैं? देखिए आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है, बहुत ही बड़ा सुनहरा एक अवसर है, जबकि भारतीय वायुसेना में एक महाबली रफेल को जो है औपचारिक तौर से शामिल किया गया। हाँ देखिए सर, अब मैं ही चाह रही थी आप हमारे दर्शकों को ये जो खासियत है जल्दी जल्दी अगर आप डेढ़ मिनट में ये बता पाए हमारे दर्शकों को कि रफाल इतना स्पेशल क्यों है, इतना डिस्कशन, इतना ब्रॉडकास्ट हमारे दर्शक रफाल पर क्यों देख रहे हैं, ये आपके माध्यम से उन्हें समझाना चाह रहे हैं। रफेल देखिए एक फ्रांस में बनाया हुआ डसॉल्ट एविएशन उसने बनाया है, ये 4.5 जनरेशन का मल्टी रोल कॉम्बैट फाइटर मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है और बहुत ही जो है हर लिहाज से जो है बैटल जो हार्डन है, ये बैटल प्रूवन है। इसने जो है अफगानिस्तान, लिबिया, सीरिया, इराक वार में भाग ले रखा है, इसमें काफ़ी अपग्रेड हुई हैं। अभी जो इसका जो हमारे हिंदुस्तान को दिया गया है इसमें लेटेस्ट जो है BVR मिसाइल हैं, शॉर्ट रेंज मिसाइल हैं, मीडियम रेंज मिसाइल हैं, एयर टू ग्राउंड मिसाइल हैं, जो कि बहुत ही जो है दूरी से स्काल मिसाइल जो कि 300 किलोमीटर दूर से दुश्मन के एरिया में आपको जाने की जरूरत नहीं है, दूर से आप उसको ऑपरेट कर सकते हैं। इसके अंदर जो है वो रडार जैमिंग कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है, बिल्कुल, यानी इसको ट्रैक नहीं किया जा सकता है, दुश्मन से छिपने में ये माहिर है। हमारे साथ एयर मार्शल वाजपेयी भी हैं। एयर मार्शल वाजपेयी मैं आपसे समझना चाहती हूँ, अगर मैं आज जब हम रफाल की ताकत दिखा रहे हैं, हिंदुस्तान का पराक्रम भी दिखा रहे हैं, उस पर मैं और डिटेल में बात करूंगी, लेकिन अगर मैं G20 के साथ रफाल का कंपैरिजन करूं तो रफाल, तमाम एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि चीन क्लेम तो करता है वो J20 है लेकिन दुनिया उसके बारे में, J20 जो है वो 5th जनरेशन का फाइटर जेट है, हालांकि दुनिया ने उसे देखा नहीं है और ये चीन का दावा भर है। अगर मैं आपकी एक्सपर्टीज के लिहाज से यहाँ पर अपने दर्शकों को समझाना चाहूँ डेढ़ मिनट में, तो रफाल J20 के मुकाबले आपके आकलन में कहाँ पर ठहरता है? दुनिया ने देखा नहीं जैसा आपने कहा है, तो उसकी परफॉर्मेंस जो क्लेम कर रहे हैं उसका कोई सबूत नहीं है कहाँ तक सही है। इतना जरूर है कि वो भी जैसा बता रहे हैं 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है। दोनों की अगर तुलना करते हैं रफेल की और J20 की, तो दोनों की परफॉर्मेंस, चाहे उनकी स्पीड हो, उनकी टोटल इंड्योरेंस, वजन उसका बहुत ज़्यादा है, इसके अलावा वो भी 60,000 फीट तक जा सकता है, हमारा रफेल भी जा सकता है 60,000 फीट तक। इसके अलावा हमारे पास भी जो एयर टू ग्राउंड जो हमारे पास मिसाइल्स हैं और अदर वेपन्स हैं, लाइक हमारे पास मिटियोर है, स्केल्प है और मीका है और एक हैमर करके है जो करीब 60 किलोमीटर की दूरी पर एयर टू ग्राउंड पल्वराइज कर देता है जो बंकर वगैरह है। इसके अलावा और भी तमाम हमारे पास, अगर नेवी ऑपरेशन करना है नेवी में, तो हमारे पास एक्सोसेट मिसाइल है, उसके लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। इसके अलावा हमारे पास न्यूक्लियर वारहेड भी इस पर लगाए जा सकते हैं, तो न्यूक्लियर कैपेबल एयरक्राफ्ट ये है,
इस वजह से इसका एक और विशेष महत्व है। जहां तक सवाल रहा हमारे ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज का, तो आप देख चुके हैं कि किस प्रकार से इस तरह के हमारे पास जो वेपन्स हैं वो, दूसरा जो एयरक्राफ्ट स्वयं की क्षमता है वो भी बहुत तेज है, लगभग 2100 किलोमीटर की स्पीड से चलता है ये, और जितना इसके पास 14 हार्ड पॉइंट्स हैं जिसमें से 5 वेट पॉइंट्स हैं, मतलब ये कि उस पे बाहर विंग्स पर हम वेपन लगा सकते हैं, मिसाइल लगा सकते हैं, 6 मिसाइल लगा सकते हैं, और भी कॉम्बिनेशन है वो लगा सकते हैं, बॉम्ब लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारे पास ये वेपन कैरिंग कैपेसिटी है वो भी बहुत खूब है, और J-20 से अगर मुकाबला करते हैं तो भले ही वो कंपेरेबल हो स्पीड में, और एंड्योरेंस का पता नहीं, लोग कहते हैं कि 1200 किलोमीटर का है, कोई कहता है कि 2000 किलोमीटर का है, हमारा जो है करीब लगभग 1900 किलोमीटर की रेंज पे हमारा ऑपरेट कर सकता है, टोटल तो करीब 38,000 किलोमीटर का है जी। इसके अलावा मैं आगे आऊंगी आपके पास, आगे मैं आपको और इस पर डिस्कशन करेंगे। जनरल रामेश्वर यादव का रुख करना चाहती हूँ यहाँ पर। सर, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपसे जो एंगल में यहाँ पर समझना चाहती हूँ इस पूरे ब्रॉडकास्ट में, वो यही है कि हाइट्स पर भारतीय सेना का होना। आज हम तीन तरह के पराक्रम की बात कर रहे हैं, एक तरफ एयरफोर्स रफाल इंडक्शन, दूसरी तरफ इंडियन आर्मी, उसमें उसके हाइट्स जिन हाइट्स पर इस समय इंडियन आर्मी है, और साथ ही तीसरी बात हम कूटनीतिक लिहाज से कर रहे हैं। आपसे जो मैं समझना चाहती हूं वो इंडियन आर्मी एट हाइट्स, अगर आप डेढ़ मिनट में अपना कॉमेंट दे पाए तो प्लीज। देखिए, हाइट को कब्जा करने का मतलब ये है कि हम पूरे इलाके को हम डोमिनेट कर रहे हैं। पहले जैसे आपके चैनल में भी बताया था कि फिंगर फोर के ऊपर चाइना वाले वो आके बैठ गए थे, अभी हमारी जो पोजीशन है हमने रीडिप्लॉय करके उनसे सरजाब के जहाँ पे ऊपर जंक्शन है वहाँ पर उस इलाके के अंदर हमारी फौज है, और इसी प्रकार से सदर्न बैंक के ऊपर भी पूरी कैलाश रेंज के ऊपर स्पेंगोर जो गैप है उसके दोनों तरफ हमारी डिप्लॉयमेंट है। इसका मतलब ये है हम चाइना की जितनी भी फौज है उसको ऑब्जर्वेशन और फायर से हम डोमिनेट कर रहे हैं। इसका फायदा यह है कि कल की तारीख में अगर हमको उनके अगेंस्ट कोई ऑफेंसिव ऑपरेशन करना हो तो हमारे पास उसका टेक्टिकल एडवांटेज होगा। आपको एक बात मैं और बताना चाहता हूं कि इस वक्त चाइना जो है काफी प्रेशर के अंदर है। पहली बात तो यह है, दो वाकये ऐसे हो गए हैं जो कि जून 15-16 की रात के अंदर और अभी 29 और 30 सितंबर की रात के अंदर जो हमने एक्शन किया है उसकी वजह से उनका लॉस ऑफ फेस हुआ है, और उनको टेक्टिकल एडवांटेज जो उन्होंने गेन किया था और वो ये समझ रहे थे कि वो हमारे ऊपर हावी हो गए हैं, वो सिचुएशन अभी बदल चुकी है। और इसके अलावा जो अगली बात है, अभी जो सिचुएशन है उसमें टोटल बदलाव आ गया है, अभी हम डोमिनेटिंग पोजीशन में है, हमारे पास टेक्टिकल एडवांटेज है और हम जब भी हम चाहते हैं हम इस सिचुएशन को अपने कंट्रोल में हम कर सकते हैं। ठीक, फुनचुक तोपदान जी, डिप्लोमेसी में एक और बात कही जाती है कि देर इज ऑलवेज स्कोप फॉर टॉक्स, एक तो ये, और दूसरा आपकी हार्ड पावर जितनी स्ट्रांग होती है, आपकी मिलिट्री जितनी स्ट्रांग होती है उतनी ही स्ट्रांग आपकी डिप्लोमेसी हो जाती है। मौजूदा तस्वीर जिसमें हम ये देख रहे हैं कि बातचीत भी चल रही है, चाहे वो मिलिट्री के लेवल पर हो, आज विदेश मंत्री मिलने वाले हैं, इस बात की पूरी पूरी संभावना है। आप ये कूटनीतिक तौर पर भी हिंदुस्तान हर फ्रंट पर डोमिनेट कर रहा है जी। जो डेवलपमेंट 30 तारीख के बाद हुआ है वो सही कह रहे हैं मेरे से पहले जो पैनलिस्ट है, उन्होंने कहा कि ये प्रेशर उनके ऊपर बनी हुई है, ये ज़रूर बनी हुई है। कम से कम 30 या करीब 35 हाइट पे हमारा डोमिनेंस है अभी, उसमें मेन करीब 8 या 9 पे है जो बहुत क्रिटिकल है हमारे लिए। और सबसे ज़्यादा ये हाइट इम्पोर्टेंट नहीं है, लीडर है जिसका नाम कहते हैं हम स्पंगोर गैप, वो कॉरिडोर करीब 4 से 5 किलोमीटर बड़ा लंबा कॉरिडोर है, उसके थ्रू हम अगर जाएं तो उनके सारे स्ट्रेटेजिक जो एसेट्स हैं खासकर जो G-219 रोड है उसको हम बिल्कुल तहस नहस कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि 1962 ने जो ज़मीन हमसे छीन के ले गया था चाइनीज ने, उस पर दोबारा कब्जा होने की गुंजाइश है अब, जो 30 तारीख से पहले नहीं था। कहने का मतलब यह है कि जो अप्रैल में स्थिति था वो तो लाएंगे, लेकिन 62 में जो खोया वो भी हम लाने का स्थिति में आज हो गया है। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है देश के लिए। पॉइंट उठा रहे हैं आप,
जी I'm sorry, I'm हाँ, interrupting you, और but ये दूसरी बहुत बात यह important है, point है। आपने ये कहा कि जो 62 में ground हमने concede कर दिया था, उसको वापस पाने की situation में भी, position में भी इंडिया है। लेकिन लेकिन उसको सस्टेन करने की जरूरत है, जिस हाइट पे अभी हम बैठे हैं उसको रिवर्स ना हो, इसके लिए हमें सतर्क रहना पड़ेगा, बिल्कुल 24 घंटा हमें सतर्क रह के, ये क्योंकि देखिए ये बड़ा फ्लूड सिचुएशन है, कभी वो आ जाता है कभी हम चले जाते हैं, तो इसका एक ऐसा टेरेन है, अभी वेटर आ चुका है, इसको सस्टेन करके रखना हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। आज ये नहीं कि हमने जीत लिया जीत लिया जीत लिया, कल सुबह क्या होगा ये भी बड़ा क्रिटिकल सवाल है इसलिए। लेकिन जो कामयाबी मिलेगा अगर हम सस्टेन कर सकें तो उनकी तो बिल्कुल ही, वो तो बिल्कुल सामने है, उनका इंटरनेशनल बाउंड्री भी हमारा है, उनका रोड भी सामने जाता है स्पंगूर लेक के सामने, तो ये बहुत ही मुमकिन है। और जो डिप्लोमेसी की बात कहा कि मुझे नहीं लगता है कि आप डिप्लोमेसी के लिए कोई स्कोप रह गया है, वो सारा आप चला गया है, आप ब्रिगेडियर लेवल का बात हुआ कल, आप कमांडर का भी होगा, मिलिट्री लेवल पे हो सकता है लेकिन डिप्लोमेटिक स्कोप नहीं है। डिप्लोमेटिक स्कोप में ये था कि रशिया कुछ रोल प्ले कर सकता है, लेकिन जो आज मैंने जो सर्गे लावरो का जो रशिया फॉरेन मिनिस्टर का स्टेटमेंट देखा उसमें कोई दम नहीं था, कोई दम नहीं था, मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि रशिया को इसमें कोई रोल प्ले करेगा, तो जो भी करेगा मैदान पे डिसाइड होगा। ठीक है मार्शल वाजपेयी, आपसे ये समझना चाहती हूँ, मॉडर्न एज में जब एयरफोर्स की बात की जाती है तो एयरफोर्स को एक डेटरेंट के तौर पर देखा जाता है, और इसी इसी कॉन्टेक्स्ट में जो रफाल की ये तस्वीरें हैं लगातार मैं उन्हें देख रही हूँ, खासतौर पर जब चीन लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान से मदद हासिल करने की कोशिश कर रहा है LOC पर, और बड़ी संख्या में आतंकी जो लॉन्चिंग पैड्स हैं वहां पर आतंकियों की मौजूदगी है, हिंदुस्तान की एयरफोर्स एयर पावर के लिहाज से रफाल के इंडक्शन की टाइमिंग भी बेटर नहीं हो सकती? हमारे पास जो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं वो उनसे सुपीरियर हैं चाइना से, और हमारे पास जैसे आपने भी सुना आपने कि रफेल Su-30 तेजस भी हम अप्लाई करेंगे, और जगुआर MiG-21 वो भी अभी है, मिराज, तो हमारे पास एक पूरी, फिर हेलीकॉप्टर्स हमारे पास हैं, अपाचे है, ध्रुव है, तो इस प्रकार से हम पूरा, हमारे पास फोर्स है, हर तरह के जहाज अवेलेबल हैं, ड्रोन्स अवेलेबल हैं, और जिस जैसा बताया थोड़ी देर पहले कि इसकी मारक क्षमता जो हमारे रफेल की है वो बहुत ही भयंकर है, साथ में इसके अलावा जो हमारा Su-30 है, मिराज है, वो भी काफ़ी यूजफुल हमारे लिए हैं, और उनको डिप्लॉय कर चुके हैं, हम डिमॉन्स्ट्रेट कर चुके हैं कि स्टैंड ऑफ मोड में हम लोगों ने जो बालाकोट पर किया हमला वो आज एक नसीहत है चाइना के लिए, उसको समझ जाना चाहिए कि हमारी ताकत बहुत अधिक है, और अब 62 वाला ये हमारा भारत नहीं है, ये अब 2020 वाला भारत है, और हम हर तरह के इस्तेमाल करेंगे हथियार हमारे पास जो भी हैं, और हम उसको अच्छा सबक सिखाएंगे, इस प्रकार से हमारी टेरिटरी पर अगर जरा भी उसने मतलब हटने की कोशिश नहीं की तो उसको हम जबरदस्ती यहाँ से हटाएंगे और अपनी सीमा को वापस ले लेंगे। जी जनरल रामेश्वर यादव, यहाँ पर इंडिया एक इंपॉर्टेंट पॉइंट उठा रहे थे स्तोपदान जी, उन्होंने कहा इंडिया ने हाइट्स तो ले लिए, नाउ इंडियन आर्मी इज एट हाइट्स, लेकिन ये देखते हुए कि विंटर भी ज्यादा दूर नहीं है और बहुत हार्श कंडीशंस वहां पर होती हैं, हार्श विंटर्स होते हैं, उस चैलेंज को आप कैसे देखते हैं? मैं इसको इस प्रकार से देखता हूं कि चाइना इज अंडर प्रेशर नाउ, क्योंकि अभी जो कैंपेन सीजन है उसकी विंडो सिर्फ 2 महीने रह गई है, और आज की तारीख के अंदर चाइना की जो फौज हमारे सामने है वो 2 डिवीजन है, और इसके अलावा बॉर्डर मैनेजमेंट फोर्सेस हैं उनकी, और 2 डिवीजन इतनी सफिशिएंट नहीं है कि एक मेजर हमला किया जा सके, अगर वो उनकी जो काबिलियत है वो सिर्फ इतनी है कि कोई छोटा मोटा किसी इलाके के अंदर वो कब्जा कर लें, क्योंकि दो जो वाकये मैंने पहले बताया आपको उसकी वजह से लॉस ऑफ फेस जो चाइना को हुआ है, और कल अगर चाइना पीछे जाने के लिए एग्री होता है तो इन ऑल प्रोबेबिलिटी दे विल मूव बैक फ्रॉम ए पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ, और उसको कायम करने के लिए वो कुछ ना कुछ ऐसी हरकत करेंगे कि किसी इम्पॉर्टेंट एरिया के ऊपर वो कब्जा करें, या फिर इस प्रकार से पूरे तरीके से मैनूवर करें कि हमारी जो अभी आज की टेक्टिकल एडवांटेज है उसमें थोड़ी कमी आ जाए। सो विंटर्स जो आ रही है ये बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि हम जिस प्रकार से वहाँ बैठे हैं हमारी मंशा ऐसा लगता है कि हम तो यहाँ पर बैठेंगे, अभी चाइना जो आया वो अपनी मर्जी से आया है, लेकिन अभी वो जाएगा हमारी मर्जी से जाएगा,
जब तक हम नहीं चाहेंगे वो यहाँ से अभी हमसे डिसएंगेज नहीं कर सकता। और मेरी पर्सनल राय सब आगे आएंगे आपके पास। एक कॉमोडोर शिवाजी, जो मौजूदा हालात है और हम लगातार एयर फोर्स के रोल की बात कर रहे हैं, जो कि अगर अभी मौजूदा स्टैंड ऑफ की बात की जाए तो अभी तक हमने वो रोल नहीं देखा है, लेकिन वही कुल मिला के वही पॉइंट्स अबाउट जिसमें डेटरेंट का काम करती है आपकी एयर फोर्स की पावर और खासतौर पर रफाल का इस वक्त पे आना, आगे आप इस पूरी सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं? देखिए, रफाल का आने से एक तो हमारे इसका बहुत दिनों से इंतजार था, बहुत सालों से इंतजार था, और एयरफोर्स की स्ट्रेंथ जो है हर साल जो है गिरती जा रही थी। अभी हम कहाँ 42 स्क्वाड्रन की हमारे रिक्वायरमेंट है, उसके जगह हमारे पास 30 और 32 स्क्वाड्रन के करीब हैं। तो अभी जो है रफेल का इस समय आना एक तो बहुत बड़ा मोरल बूस्टर है। फिर जो है रफेल की जो कैपेबिलिटीज हैं, ये दुनिया का सबसे जो है बहुत चुने गिने जो फाइटर्स हैं उनमें से इसका नंबर आता है। तो ये बहुत ही पोटेंट वेपन सिस्टम है और ये एक फोर्स मल्टीप्लायर है। फोर्स मल्टीप्लायर का मतलब एक जहाज ही 10-15 जहाजों का अकेला काम कर सकता है। इसमें हर तरह के वेपन सिस्टम हैं, रडार बहुत ही इफेक्टिव हैं, बहुत लॉन्ग डिस्टेंसेस पर जो है वो टारगेट को एक्वायर कर सकते हैं, वो काफ़ी टारगेट को एट द सेम टाइम इंगेज कर सकते हैं। इसका फायर जो सिस्टम है वो बहुत अच्छा है। इसका इलेक्ट्रॉनिक जैमी सिस्टम जो है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है, वो बहुत अच्छा है। इसकी जो मिसाइल का मिक्स है, हर तरह की मिसाइल हैं, हर तरह के बॉम्ब कैरी कर सकता है, हर रोल में जो है ये पूरी तरह से जो है कामयाब है और दुश्मन के जो है हर तरह से छक्के छुड़ाने में बहुत ही सक्षम है। ठीक, फंशुक तोपदान जी, मैं तीन तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। एक तो जब रफाल का इंडक्शन किया गया तो फ्लोरेंस पार्ले की मौजूदगी, जो कि मिनिस्टर हैं आर्म्ड फोर्सेस की फ्रांस में, फ्रांस की तरफ से ये भी कहा जाना कि हिंदुस्तान हमारा एक बहुत बड़ा पार्टनर है, बहुत अहम पार्टनर है। और एट द सेम टाइम हमने देखा कि जापान के साथ भी आर्म्ड फोर्सेस जो है उनकी एक इम्पॉर्टेंट करार पर, सैन्य क्षेत्र में इम्पॉर्टेंट करार पर हस्ताक्षर हुए। तो एक तरफ फ्रांस का सहयोग, दूसरी तरफ जापान के साथ ये इम्पॉर्टेंट करार, और तीसरी तरफ SCO समिट में जो विदेश मंत्रियों की मुलाकात है। आप इस पूरी पिक्चर को अगर मैं कहूं एनालाइज कीजिए तो इंडिया लगातार स्ट्रांग होता हुआ और इंडिया अपनी डिप्लोमेसी से कहीं ना कहीं चीन को भी कॉर्नर करता हुआ। जी, जैसे आपने कहा जापान और फ्रांस का, वो तो हमारा ट्रेडिशनल पार्टनर है ही है। उसमें सबसे ज़्यादा ये जो अब एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं वो तो अच्छा है, लेकिन उससे बड़ी चीज़ है कि हम लोगों का ट्रस्ट जो है, विश्वास जो है इन देशों के साथ, डिप्लोमेटिक जो विश्वास है, पॉलिटिकल विश्वास है, वो बनी रही है और बनेगा आगे जाके भी। उम्मीद है कि ये हमारा मॉरल सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट और मिलिट्री सपोर्ट जो भी मिलता है इन दोनों से वो है, लेकिन मुझे उतना उम्मीद नहीं है SCO से, क्योंकि SCO में ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो वहाँ के, इंक्लूडिंग रशिया, कि वो स्टैंड अप हो चाइना के अगेंस्ट, मुझे नहीं लगता है। वो सब अपना अपना गेम खेलते हैं और चाइना के साथ उसका फ़ायदा है तो वो चाइना के साथ जाते हैं, बाकी वहाँ पे 4-5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ है, वो उनकी ऋण के क्या, उनकी जो डेट है उनकी दबी हुई है। कुछ लोगों को उनको बेल्ट एंड रोड की गुनगाना पड़ता है आजकल, आजकल के डेट में तो उनको चाइना का ही गुनगाता है। तो मैं वहाँ से कोई उम्मीद नहीं करता हूँ। सीधी बात है कि शंघाई कोऑपरेशन में सिर्फ कोविड की बात होगा, कोविड पेंडेमिक को किस तरह हम सब मिल के इसको निपट लें, लेकिन SCO एज ए प्लेटफॉर्म ये चीन के लिए बना हुआ है। और हमारा गलतफहमी है कि ये हमें कोई सपोर्ट मिलेगा, ये बनाया है, चीन ने बनाया था अपने टेरिटोरियल ग्रैब करने के लिए तजिकिस्तान, किर्गिस्तान और तजिकिस्तान के साथ, तो उसका रेलवे वेलवे बढ़ाना, पाइपलाइन बढ़ाना, उसके लिए बनाया था। लेकिन ये उम्मीद करना है कि उससे हमें कुछ मिलेगा, मुझे नहीं लगता उसमें कुछ मिलेगा। ठीक है, मार्शल वाजपेयी, अभी सोबजान जी ने एक पॉइंट उठाया, उन्होंने कहा कि इसका सोल्यूशन तो मिलिट्री सोल्यूशन ही होगा। आपको भी यही लगता है कि सोल्यूशन जो मौजूदा स्टैंड ऑफ है इसमें मिलिट्री सोल्यूशन ही है? प्रयास जारी है, अभी भी मिलिट्री लेवल पर डिस्कशन हो रहे हैं, डिप्लोमेटिक लेवल पर हो रहे हैं, अभी आप देख रहे हैं कि मास्को में किस प्रकार से बातचीत चल रही है, प्रयास जरूर हो रहे हैं। और भारत भी नहीं चाहेगा और चीन भी अब नहीं चाहता है कि कोई युद्ध हो, मगर वो हटने का नाम नहीं ले रहा है। उसकी जो विस्तारवादी नीति है उसके चलते, और उसको जो एक बड़ी शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा जब उसके सैनिकों की गर्दन तोड़ दी हमारे आर्मी के जवानों ने, उनके तमाम लोगों को अपने मतलब बेयर हैंड से उनके गर्दन तोड़ी, तो उनका जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ा उनके ऊपर,
वो बहुत ही भयंकर है और इसकी वजह से उनकी फौज में एक निराशा का भाव पैदा हो गया है। इसके अलावा हमारी जो डिप्लोमेसी की बात चल रही है, केवल एक ही फ्रंट नहीं, और भी फ्रंट है। आपने देखा होगा अमेरिका ने अपने कैरियर भेज दिए हैं, उधर ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूरोपियन कंट्रीज सबकी जहाज वहाँ पर लगे हुए हैं अभी, और अगर किसी प्रकार से इसने छेड़खानी की यहाँ पर लद्दाख रीजन में या कहीं और हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल पर, तो नेचुरली एंड रियली इट विल बी वेरी डिजास्ट्रस। और जितनी भी लगी हुई है ये हमारी नौसेना है, वो इसको डिटेलिएट करेंगी और उसके ऊपर आक्रमण करेंगी। इसकी वजह से थोड़ा वो भी चिंतित है कि किसी तरह से अपना फेस सेविंग बैकफुट पर है। जनरल रामेश्वर यादव, मिलिट्री सॉल्यूशन ही होगा, कोर कमांडर लेवल की बातचीत होनी है। हालांकि बातचीत चीन का अभी तक का अगर हम देखें अप्रैल के महीने से और अभी तक, चीन बात तो करता है, वो बार बार ये कहता है कि आप बातचीत की टेबल पर आ जाइए, लेकिन फिर एट द सेम टाइम वो घुसपैठ की भी कोशिश करता है। देखिए चीन की जो अभी मेरी समझ जो आती है वो ये है, दे आर बाइंग टाइम, और वो चाहते हैं कि हम धीरे धीरे एक माइंड गेम चला रहे हैं वो, जिसमें वो समझते हैं कि इंडिया कैपिटुलेट हो जाएगा और उसके बाद उनकी जो पॉलिटिकल बातें हैं उनको सुनना शुरू कर देगा। लेकिन हम जिस तरह से नो ब्लिंकिंग एंड नो ब्रेकमैनशिप के हमने पॉलिसी फॉलो की है, उसमें अभी तक उनको अंदाज़ा हो गया होगा कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। मैं आपके दर्शकों को एक और बात बताना चाहता हूँ, आज का जो भारत है वो 1962 का भारत नहीं है। 1962 के अंदर एयरफोर्स का इस्तेमाल नहीं हुआ था, लेकिन आज की तारीख में जैसे हमारे दूसरे पैनलिस्ट बता रहे हैं, हमारी एयरफोर्स की ताकत बहुत ज़्यादा है और हमारे जो एयरक्राफ्ट्स हैं उनकी जो क्वालिटी है बहुत अच्छी है। दूसरी चीज़, इंडियन नेवी जो है वो ऑलरेडी इस वक्त हिंद महासागर के अंदर तैनात है, और ये एक नया लीवरेज हमारे पास है। अगर चाइना हमारे अगेंस्ट कोई भी हरकत करता है तो हमारे पास ये काबिलियत है कि हम समुद्र में भी उनका मुकाबला करें और उनकी जो इकोनॉमिक लाइफ लाइन है उसके अंदर हम इंटरफेयर करें। और इससे सबसे बड़ी बात ये है कि चाइना हर 2-3 साल के अंदर इस प्रकार की हरकत करता है, तो मेरी पर्सनल राय ये है कि वी हैव टू कॉल चाइनीज ब्लफ वंस फॉर ऑल। और अगर हमने ये चीज चाइना को एक बार इनको पनिशमेंट नहीं दी और इनको इनको ये नहीं बताया कि हमारी कैपेबिलिटी क्या है और मिलिट्री क्षेत्र क्या है, वियतनाम के हाथों कैसे मुंह की खानी पड़ी। पीएलए जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी की सेना है। एक क्लोजिंग कमेंट्स तोपदान जी, मैं आपका चाहती हूँ, क्योंकि मैं जब रियल पावर, रियल मिलिट्री पावर की बात करती हूँ तो इंडियन आर्मी जो है वो बैटल हार्डन्ड है। फिर वही पॉइंट आता है, आपकी मिलिट्री जितनी स्ट्रांग होगी आपकी डिप्लोमेसी उतनी ज्यादा स्ट्रांगर हो जाएगी। ये तो बिल्कुल है, एक इंस्ट्रूमेंट है, डिप्लोमेसी का एक इंस्ट्रूमेंट है। बेसिकली डिप्लोमेसी भी नहीं कह सकते, स्टेट क्राफ्ट में डिप्लोमेसी भी आता है, मिलिट्री पावर भी आता है, हार्ड पावर, सॉफ्ट पावर, सारा पावर जो है स्टेट क्राफ्ट में आता है। और ये सारा इकट्ठे चलते हैं, जैसे भरतनाट्यम हमारा डांस होता है, एक तरफ से शिवा होता है, दूसरे तरफ से और कुछ हमारी एक्सप्रेशन होता है, मुद्रा होता है, इसी तरह स्टेट क्राफ्ट इस तरह काम करता है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना इतना कीमती वक्त जी न्यूज के दर्शकों को ये पूरी खबर समझाने के लिए दिया। प्रेजेंटिंग जी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन Google Play एंड App Store। डाउनलोड इट नाउ।